तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को आप 2 मिनट तक देखो, अगर आपको 2 मिनट में मज़ा नहीं आता है तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अरे दोस्तों ये मिस्टी फिर कहाँ जा रही है? अरे पता नहीं पपीता भैया ये कहाँ जा रही है? अरे शिनशान मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, मेरा नाम नोबिता है ना कि पपीता। अरे दोस्तों इस मिस्टी को तो देखो, ये तो कसरत कर रही है। अरे हाँ डोरेमोन ये मिस्टी तो कसरत कर रही है, चलो हम इसकी कसरत को बसरत बनाते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी से हम मिस्टी को परेशान करते हैं, क्या है ना मैं दिन में एक बार मिस्टी को परेशान न कर लूँ तब तक मेरा मन खुश नहीं होता। हाँ चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं मिस्टी की ऐसी की तैसी करते हैं। वैसे बताओ क्या करें इस बार मिस्टी के साथ? दोस्तों हम एक काम करते हैं, मिस्टी के स्टीम बात लेने का टाइम हो रहा है, हम उसके स्टीम बात में पूरी बदबू फैला देते हैं। अरे हाँ पपीता भैया आपके पास इतने अच्छे आइडिया आते कहाँ से हैं? शिनशान वो तो मेरा बस दिमाग अच्छा है। चलो दोस्तों ये वाली बोतल ले लेते हैं, इसी से ही बदबू फैलेगी। हाँ जी आन चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं मिस्टी के स्टीम बात की तरफ। अरे नोबिता भैया आप एक बात बताओ, आपके हर बार टेस्ट में 0 क्यों आते हैं? शिनशान अभी तुम छोटी क्लास में हो, जब तुम बड़ी क्लास में आ जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे टेस्ट दिया जाता है। अरे लेकिन पपीता भैया मेरे पड़ोस में आपकी क्लास का एक लड़का है जो कि हर बार टेस्ट में टॉप मारता है। अच्छा शिनशान उसका नाम क्या है? उनका नाम कुछ ऐसा है फुसफुसी भैया। अरे शिनशान उसका नाम फुसफुसी भैया नहीं डेकी सुखी है। अरे हाँ हाँ वही वही डेकी सुखी भैया। अरे नोबिता ये तो तुम्हारी मुँह पे बेइज्जती मार रहा है। डोरेमोन ये शिनशान को देखो ना, मेरी जब देखो तब बेइज्जती मारता रहता है। अबे रो तो लू चुप करके बैठ जा, नहीं तो एक मुक्का मारूंगा वहां जाके गिरेगा। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लड़ो मत, ये देखो मिस्टी का स्टीम बात वाला रूम आ गया, मैं इसका डोर बंद कर देता हूँ। हाँ पपीता भैया मैं जल्दी से जाके ये बदबूदार स्प्रे मिस्टी के स्टीम बात के ऊपर छिड़क देता हूँ। अरे शिनशान वो स्टीम बात होता है। हाँ भूषण भैया वो भी कह सकते हैं। दोस्तों ये देखो मिस्टी के स्टीम बात में तो पूरी बदबू बदबू हो गई। अरे हाँ जियान तुम ठीक कह रहे हो, अब ये मिस्टी तो यहाँ पे बदबू में परेशान हो जाएगी। हाँ और मैंने इसका दरवाजा भी बंद कर दिया था, अब ये यहाँ से बाहर भी नहीं आ पाएगी। अरे हाँ पुरैमन भैया आपने ये तो बहुत सही किया। दोस्तों ये देखो ये पता नहीं फिर किसको फोन लगा रही है। अरे लगता है इसका हेलोवीन का कोई पार्सल आने वाला है। अरे हाँ शिनशान इसका हेलोवीन का ही पार्सल आने वाला है। अरे ये देखो इसका ये पार्सल तो आ गया है, चलो हम एक काम करते हैं इसके पार्सल में ही कुछ तिगड़म कर देते हैं। अरे लेकिन शिनशान क्या करें वो तो बताओ। अरे पूरे मोहन भैया मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इसके पार्सल में मधुमक्खी का छत्ता डाल दें। हे शिनशान ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ तो चलो गोरिल्ला भैया हम इसके पार्सल में मधुमक्खी का छत्ता ही डालते हैं। अरे लेकिन हमें मधुमक्खी का छत्ता मिलेगा कहाँ से? अरे पूरे मोहन भैया पेड़ से मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? लेकिन दोस्तों हम मधुमक्खी का छत्ता डालने के लिए उसका पार्सल खोलेंगे तो उसको पता चल जाएगा। अरे पपीता भैया आप चिंता क्यों करते हो, उसका भी मेरे पास इलाज है। हम एक काम करेंगे हम टेप ले लेंगे और टेप से उसका पार्सल वापस चिपका देंगे। अरे वाशिंगटन तेरा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। अरे थैंक यू भूषण भैया अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। हाँ चलो चलो फिर तुम लोग जल्दी से टेप तो ढूंढ लो। अरे हाँ हम ढूंढी तो रहे हैं, आप वहाँ से बस देखते हो, यहाँ के खेलो तो आपको पता चले। हाँ आऊंगा आऊंगा जल्दी खेलूंगा, फिर तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं कितना प्रो हूँ। तुम सब जल्दी से चलो हमें टेप ढूंढना है। अरे वाह देखो हमें टेप मिल गया। अरे वाह गोरिल्ला भैया आपने टेप ढूंढ लिया, अब तो कमाल के हो। शिनशान अगर तुमने मुझे इसके बाद गोरिल्ला बोला तो मैं तुम्हें एक भुसंड मार के वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ तुम जाना भी नहीं चाहते। अरे कहाँ पहुँचाओगे ये तो बताओ। मैं तुम्हें तारों के शहर में पहुँचा दूंगा जहाँ सिर्फ तुम्हें तारे ही तारे दिखेंगे। अरे वाह फिर तो मेरे बिजली का बिल भी बचेगा, वैसे भी मेरे ऊपर 32 साल का लोन है। अरे दोस्तों तुम सब ये क्या कर रहे हो, हमें मिस्टी के पार्सल में मधुमक्खी का छत्ता डालना है, तुम उस पर ध्यान दो। अरे हाँ देखो पुरैमोहन भैया मैंने सीजर भी ले ली और यहाँ पे मैं जल्दी से ग्लव्स भी पहन लेता हूँ और मैं मधुमक्खी का छत्ता उतारूंगा ना तो मधुमक्खी कहीं मुझे काट ना ले। हाँ शिनशान सेफ्टी सबसे पहले जरूरी होती है। हाँ सेफ्टी भी जरूरी होती है और एक और चीज बहुत जरूरी होती है। अच्छा क्या? इस वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। दोस्तों चलो हम जल्दी से ये सीढ़ी उठाते हैं और जल्दी से मधुमक्खी का छत्ता काटने चलते हैं और उसमें से जो शहद निकलेगा वो तो मैं ही खाऊंगा। है मोटे गोरिल्ले तू खा लेना। क्या बोला शिनशान? अरे कुछ नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। चलो हम जल्दी से ये सीढ़ी
लेके मधुमक्खी का छत्ता काटते हैं। हाँ चलो दोस्तों जल्दी से हम लोग चलते हैं, देखो वो रहा सामने मधुमक्खी का छत्ता, चलो जल्दी से हम यहाँ पे सीढ़ी रखते हैं। हे दोस्तों हटो यहाँ से, मैं मधुमक्खी का छत्ता तोड़ूंगा। अरे हाँ गोरिल्ला भैया आप ही तोड़ लो, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। चलो जल्दी से सीढ़ी लगाता हूँ। अरे ये सीढ़ी लग क्यों नहीं रही है? अरे चलो लग गई सीढ़ी, और ये मिल गया मधुमक्खी का छत्ता, चलो जल्दी से ले लेता हूँ। अरे गोरिल्ला भैया संभालना, कहीं मधुमक्खी आपको काट न ले। शिनशान क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? मैंने बहुत मधुमक्खी के छत्ते काटे हैं, देखो मैंने यह भी ले लिया। हाँ लेकिन जियान इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। हे भूषण तुम वहाँ से टिप्पणियाँ देना बंद करो। बताओ दोस्तों मेरे चैनल पे मेरी इज्जत नहीं है। अरे चलो दोस्तों जल्दी से हम ये मिस्टी के पार्सल के अंदर रख देते हैं, वरना ये मधुमक्खियाँ कहीं हमें ही ना काट ले। हैपोरेमन भैया चलो जल्दी से हम चल के रख देते हैं, देखो मिस्टी तो सो रही है। हे शिनशान देखो वो तो फिर से उठ गई। हाँ आप सही कह रहे हो, ये तो फिर से उठ गई। चलो चलो हम जल्दी से ये पार्सल खोलते हैं और इसके अंदर ये जल्दी से रख देते हैं, कहीं ये मिस्टी वापस से ना आ जाए। हाँ रुको मैं अभी खोलता हूँ। हैपोरेमन भैया जल्दी से खोल दो। हाँ चलो अब मैं जल्दी से इसको अंदर रख देता हूँ। हे डोरेमन चलो जल्दी से इस पे टेप लगा दो। चलो मैंने टेप लगा दिया। अरे वो देखो मिस्टी तो पीछे ही आ रही है, जल्दी भागो जल्दी भागो। हे दोस्तों देखो वो तो अपना पार्सल खोल रही है। अरे हाँ जियान वो तो अपना पार्सल खोल रही है, अब बहुत मजा आने वाला है। चलो चलो अब देखते हैं मजा। अरे ये देखो उसके ऊपर तो मधुमक्खियाँ चढ़ गईं। और मधुमक्खियों पी लो इसका सारा खून पी लो। अरे ये फिर मिस्टी के पास किसका फोन आ रहा है? पता नहीं शिनशान कौन है ये इसका। अरे डोरेमोन शिनशान मुझे पता है ये कौन है। ए, तुम तो रहने ही दो। अरे एक बार सुन तो लो। अरे बताओ बताओ भूषण भैया कौन है? अरे मुझे मेरे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है और आज ये वैलेंटाइन मनाने आ रहा है। हाँ तो चलो आज हम इस मिस्टी की शक्ल ही बिगाड़ देते हैं ताकि ये वैलेंटाइन मना ही ना सके। अरे हाँ गोरिल्ला भैया आपने ये आइडिया तो बढ़िया दिया, हम इसकी शक्ल बिगाड़ देते हैं फिर ये वैलेंटाइन मना ही नहीं पाएगी। हाँ दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसके फेस वॉश में कुछ मिला देते हैं, उसके बाद इसका फेस बिल्कुल खराब हो जाएगा। अरे लेकिन पुरेमोन भैया बताओ तो क्या मिला है? चलो ये मिला देते हैं शिनशान। अरे पुरेमोन भैया वैसे ये है क्या? पता नहीं शिनशान, लेकिन मुझे इसको देख के लग रहा है कि ये मिस्टी की शक्ल बिगाड़ने में हमें काम जरूर आएगा। दोस्तों चलो ये भी उठा लेते हैं, मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ चलो चलो ये दोनों उठा लेते हैं, अब जल्दी से चलते हैं मिस्टी के बाथरूम में और उसके फेस वॉश में कुछ न कुछ तो मिला के आते हैं। हाँ दोस्तों चलो, लेकिन देखो मिस्टी तो हमारे पीछे आ रही थी। हे डोरेमोन अब वो नहीं आ रही पीछे, तुम जल्दी से मिला दो इसके फेस वॉश में। हाँ चलो चलो जल्दी से मिला देते हैं। चलो हमने मिला दिया। अरे रुको शिनशान हम इसमें भी मिला देते हैं, अब और मजा आएगा। हाँ चलो दोस्तों अब जल्दी से भागते हैं यहाँ से। अरे दोस्तों वो देखो वो तो सामने से मिस्टी जा रही है। चलो हम जल्दी से यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं, अगर उसने हमें पीछे पलट के देख लिया ना तो वो हमें मार मार के काला बना देगी। हे दोस्तों मुझे तो अब इंतजार है, जब वो फेस मास्क लगा के अपने बॉयफ्रेंड के सामने जाएगी तब उसके बॉयफ्रेंड का क्या रिएक्शन होगा। अरे देखो दोस्तों वो तो फेस मास्क लगा रही है। अरे हाँ है पुरेमन भैया वो तो फेस मास्क लगा ही रही है। 10 years later हे दोस्तों देखो मिस्टी तो अपना फेस मास्क उतार रही है, इसका चेहरा तो पूरा लाल टमाटर की तरह पड़ गया है। अरे है गोरिल्ला भैया अब देखो दूसरा भी कमाल, अब इस मिस्टी का फेस काला हो जाएगा। अरे ये क्या, ये तो स्क्रीन काली हो गई। अरे ये देखो ये आ गया मिस्टी का बॉयफ्रेंड। हाँ और शक्ल देख के भाग भी गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। हाँ हाँ इस डोरेमोन की बात मान लेना यार, लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ तो हम लोग मिलेंगे किसी ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।